लो ना 5 मिनट का वीडियो बनाओ ना, चारों तरफ से ना अच्छा लगे। शिक्रु की गार्ड और शिक्रु की सुपरवाइजर इस बात का ध्यान रखें, जब भी ग्रीन पीरियड पर आते हो तो सबसे पहले अपना यूनिफॉर्म अपना टर्नआउट धुलाई किया हो, प्रेस किया हो और सेफ्टी शू के ऊपर कपड़ा या पॉलिश मोजा मिले। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर गंदा यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी पर नहीं चढ़ेगा। इस बात का ख्याल सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर को अपनी ड्यूटी के दौरान नम्रता और प्रेम से बात करना है। किसी से मिसव्यवहार या लड़ी झगड़ा या ऊंची आवाज से बात नहीं करना है। हम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की ड्यूटी करते हैं, हमारे दिल के अंदर नम्रता और प्यार होना चाहिए। हम पुलिस की ड्यूटी करते हैं, हमारा कर्तव्य है कि करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति के हम 12 घंटे के मालिक हैं। आप लोग 12 घंटे के हर टावर के मालिक हो, तो आपका एक्शन डायरेक्शन और फॉर्मेशन एक्सेलेंट होना चाहिए कि आपका प्रॉपर यूनिफॉर्म अपनी ड्यूटी के दौरान हेयर कटिंग 15 दिन एक बार करो, डेली हर रोज करो, यूनिफॉर्म हमेशा धुलाई करो। उसके बाद ड्यूटी के अंदर कभी भी याद रखो कि आप शोल्डर गार्ड, लेनी आर्ट, बेल्ट और सेफ्टी शू नहीं उतारना है। चप्पल के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं करना है। जो व्यक्ति चप्पल पे ड्यूटी करता है वो चौकीदार जैसा दिखाई देता है। और आप तो हमारे कमांडो है और झाबा सिपाही हो, डायलट हो, आर्मी और BSF, CRPF, नेशनल कमांडो की तरह आप झाबा सिपाही हो। आपका कर्तव्य बनता है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ आपको ड्यूटी पर रहना है। अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान जो भी मेन के अंदर ड्यूटी पर रहता है, सुपरवाइजर के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है ना, उसका कर्तव्य बनता है कि कोई पार्सल या कोरियर या कोई भी व्यक्ति अगर किसी के टावर में मिलने आता है तो उससे तहकीकात और पूछताछ और इंक्वायरी करना बहुत आवश्यक है। नंबर एक, उनसे पूछो कि सर आपको कौन से टावर में जाना है, सर आपको कौन से फ्लैट में जाना है, सर कौन से साहब के पास जाना है, सर क्या काम है आपका। फिर 2 प्रश्न और पूछो, सर आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है। रिंग करा मोबाइल, उनको इंटरकॉम से बात किया, जय हिंद सर, मैं सिक्योरिटी गार्ड अशोक कुमार मेन गेट से बोल रहा हूँ। सर आपको मिलने के लिए अशोक कुमार आए हैं सूरत से, हाँ भेज दो। फिर उनको प्रॉपर मोबाइल ऐप के अंदर एंट्री करना है, रजिस्टर में एंट्री करके उनके टावर के साइड में उनको छोड़ना है। ये हो गया। अब टावर वाले का क्या काम है, टावर वाले का काम है उनको रोकना, पूछना, नमस्कार सर, सर आपको कौन से साहब के पास जाना है, कौन से फ्लैट नंबर पे जाना है, सर आपका क्या काम है, क्या नाम है, सर आप कहाँ से आए। वो बोलेगा मेरे को वहाँ से परमिशन हुआ है मेरा, मुझे जाना है। ठीक है सर, उनको 2 मिनट बात करने दें। नमस्कार सर, मैं सिक्योरिटी गार्ड टावर नंबर 20 से बोल रहा हूँ सर, सर आपको सूरत से अशोक कुमार साहब मिलने आए, हाँ भेज दो।